आज मैं आपके लिए समोसे की सबसे अलग और सबसे आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सभी को बहुत पसंद आएंगे, तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू का मसाला बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने 6 आलू लिए हैं, इनको मैंने उबाल लिया है। आप आलू की क्वांटिटी अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। गैस को ऑन कर देंगे। अब पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल भी देखिए गर्म हो गया है। इसमें 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डालेंगे। इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसमें 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया है। 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है। अब इनको हल्का सा भून लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। ये 1/2 चम्मच पिसी हुई हल्दी है। 1 चम्मच अमचूर है। अब इनको भी हल्का सा भून लेंगे। ये मसाले देखिए हल्के से भुन गए हैं। अब इसमें आलू को डालेंगे। आलू को देखिए इस तरीके से बारीक बारीक तोड़ लेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू को ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा सा रखेंगे। अब आलू की भी थोड़ी देर भुनाई करेंगे। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। धनियों को इसमें मिक्स करेंगे। अब समोसे के लिए आलू का मसाला भी बनकर रेडी है। अब इसको साइड में रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब समोसे के साथ सर्व करने के लिए छोले और मटर की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने 1/2 कप हरे वाले मटर लिए हैं और 1 कप काबुली चने लिए हैं। इनको रात भर भिगोने के बाद इनमें हल्का सा नमक डाल के इनको उबाल लिया है। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई ली है, इसमें करीब 1 बड़े चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें बघार के लिए 1/2 चम्मच जीरा लिया है, करीब 8 से 10 काली मिर्च ली है और थोड़ी सी हींग ली है। बघार को इसमें डाल देंगे। बघार को हल्का सा पकाएंगे। ये करीब 8 से 10 कली लहसुन के लिए है, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और 4 हरी मिर्च ली है। इनका पेस्ट बना लिया है, इस पेस्ट को भी इसमें डाल देंगे। ये 2 प्याज लिए हैं, इनका पेस्ट बना लिया है। 4 टमाटर लिए हैं, इनकी प्यूरी बना ली है, इस प्यूरी को भी इसी में डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच फुल भर के पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1/2 चम्मच पिसी हुई हल्दी डालेंगे। 1/2 चम्मच चाट मसाला है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाले की भुनाई करते वक्त आप फ्लेम को हाई मीडियम अपने हिसाब से रख लें, जैसे भी आपको सही लगे।
मसाले की देखिए भुनाई हो गई है। अब इसमें चनों को डाल देंगे। चने के पानी को मैंने फेंका नहीं है, पानी सही थी इसमें डाल देंगे। ये थोड़े से चने मैंने अलग निकाल लिए हैं, इनको मैंने मैश कर लिया है, इनको भी इसी में डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये मसाला थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसमें एक दो उबले हुए आलू भी डाल सकते हो। इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मैं इसमें करीब आधा गिलास जितना पानी डाल दूंगी। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हाई फ्लेम पे इसमें खदकी आने देंगे। इसमें देखिए खदकी आना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको ढक देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको करीब 8 से 10 मिनट पकाएंगे। अब ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है, इसको छन्नी से छान लेंगे। आप मैदे की क्वांटिटी अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। ये मैंने पूरा मैदा ले लिया है। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। ये आधा चम्मच अजवाइन ली है, इसको मसल कर इसमें डाल देंगे। अजवाइन को मसल के डालने से क्या है, इसका ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें थोड़ी सी जगह करेंगे। अब इसमें 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मोइन चेक करेंगे, मैदे की इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे। अगर इसकी इस तरीके से मुट्ठी बन जाए तो समझ लीजिए कि इसके अंदर मोइन परफेक्ट है। अभी मैंने नॉर्मल पानी लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका टाइट सा डो लगा लेंगे। जिस तरीके का आटा हम बाटियों के लिए गूंदते हैं उसी तरीके का आटा गूंद लेंगे। इसको करीब 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे क्या होगा, आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इसको भी पकते हुए करीब 8 से 10 मिनट हो गए हैं। इस सब्जी भी देखिए रेडी है। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। धनियों को इसमें मिक्स करेंगे। ये सब्जी भी देखिए बन गई है। अब कढ़ाई को इधर से हटा लेंगे। इसको ढके हुए करीब 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसको थोड़ी देर और मसलेंगे, इसको अच्छे से चिकना होने तक मसल लेंगे। इसका देखिए इस तरीके का थोड़ा टाइट सा डो लगा लेंगे। अब इसमें से अपनी पसंद के हिसाब से पेड़े बनाएंगे। हमें जितने बड़े समोसे बनाने हैं उसी हिसाब से पेड़े बना लेंगे। मैं इसके देखिए इतने बड़े बड़े पेड़े बना लूंगी। इनको प्लेट से या फिर गीले कपड़े से ढक देंगे, जिससे क्या है सूखेंगे नहीं। अब प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे, इस पर हल्का सा आटा या फिर सूखा मैदा लगाएंगे। अब इसकी पतली सी रोटी बेल लेंगे। इसकी देखिए इतनी पतली रोटी बेल लेंगे। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको बीच में से देखिए इस तरीके से कट करेंगे।
अब इसके कोने को उठाएंगे, इस पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, अब इसके दूसरे कोने को उठाएंगे, इसको देखिए इस तरीके से चिपका देंगे, इसको दोनों उंगली से इस तरीके से अच्छे से चिपका देंगे। अब समोसे के लिए कोन बन गई है, ये मसाला भी एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा मसाला भरेंगे, इसके कोने पे फिर से पानी लगाएंगे, अब इसको देखिए इस तरीके से चिपका देंगे। ये समोसा बनकर रेडी है। अब मैं आपके सामने एक दो समोसे और बनाऊंगी। क्या आपने आज से पहले कभी भी इस तरीके से रगड़ा समोसे बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर के बताइएगा जरूर, और अगर नहीं बनाए हैं तो इनको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मेरे घर में ये सभी को बहुत पसंद आए हैं। ये मैंने पूरे समोसे बना लिए हैं, थोड़ा सा आटा बच गया है, इसकी मैंने पपड़ी बनाई है। इन पे देखिए फोर्क से इस तरीके से निशान लगाएंगे। इन पे इस तरीके से निशान लगाने से क्या है, ये फ्राई करते वक्त फूलेंगे नहीं। समोसे फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम गर्म कर लेंगे। अब एक एक करके इसमें समोसे डालेंगे। इसमें एक बार में करीब 5 से 6 समोसे डाल देंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे सब तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर फ्लेम को हाई कर देंगे तो समोसे क्रिस्पी नहीं होंगे। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिखकर के बताइएगा जरूर। अगर आपको जरा भी मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। ये समोसे देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से पूरे समोसे फ्राई कर लेंगे। अब पापड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। इसमें एक बार में 2 पापड़ी डाल देंगे। ये पापड़ी देखिए फ्राई हो गई है, अब इनको निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से पूरी पापड़ी को फ्राई कर लेंगे। इनको देखिए इस तरीके से सर्व करेंगे। कटोरी में थोड़ी सी सब्जी निकालेंगे, इन पे थोड़ा सा दही डालेंगे, इस पे थोड़ी सी मीठी वाली चटनी डालेंगे, अब इस पे थोड़ी सी हरी वाली चटनी डालेंगे, इस पे थोड़ा सा सिके हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, अब इस पे समोसा रखेंगे। अब ये समोसे सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाना चाहूंगी। ये देखा आपने हमारे कितने बढ़िया एकदम क्रिस्पी समोसे बने हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर के बताइएगा जरूर, और अगर जरा भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।